हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप सभी को थैंक यू सो मच कहना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा। किस लिए? तो इसकी वजह ये है कि आपने मेरे 200 सब्सक्राइबर क्रॉस करा दिए। अभी न्यू चैनल है, आपका प्यार इसी तरीके से मिलता रहेगा, तो इसी तरीके से मैं आपको अपने इस चैनल पर बहुत बेहतरीन वीडियो जो मैं डेली बेसिस पर लाता हूँ आपके लिए, वो मैं लाता रहूँगा। सो थैंक यू सो मच। सो हम आज मुहूर्त ट्रेडिंग की बातें चल रही है, बहुत जैसे कि आपको पता ही है कि दिवाली का सीज़न है। ओके, तो आप के लिए हर दिवाली को मार्केट 1 घंटे या कुछ समय के लिए खुलती है, तो आज के दिन भी मार्केट खुलने वाली है, तो क्या टाइमिंग है? उससे रिलेटेड बातें करेंगे, कितने बजे खुलेगी वो हम बातें करेंगे, कौन से शेयर हमें पिक करने चाहिए उससे रिलेटेड हम बातें करेंगे, जो कि हमें नेक्स्ट दिवाली तक, हम 1 साल का अगर टारगेट लेके चलते हैं तो वो शेयर हमें अच्छे रिटर्न, बैंक से अच्छे रिटर्न हमें प्रोवाइड कर सके, हमें FD से अच्छे रिटर्न प्रोवाइड कर सके, ये हमारा टारगेट रहेगा। क्योंकि मार्केट बड़ी हाई लेवल पर है, तो अगर गिरती भी है तो ऐसे कौन से स्टॉक्स होंगे जो हमें अच्छे रिटर्न उस पीरियड में भी देके जाएंगे, और हर साल वो देते आए हैं, करोड़पति उन्हीं शेयरों ने बनाया है, उससे रिलेटेड में बातें करेंगे। तो आइए उस वीडियो की तरफ चलते हैं, बट बिफोर दैट आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप हमारी इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिए और इस वीडियो को भी सबके साथ शेयर करिए, ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं मुहूर्त ट्रेडिंग होती क्या है। तो मुहूर्त ट्रेडिंग देखिए, दिवाली के टाइम पे एवरी टाइम एक कुछ टाइम के लिए मार्केट ओपन होती है, 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए, तो उसमें हम कुछ ट्रेडिंग करते हैं, तो उसे ट्रेडिंग करते हैं या परचेज करते हैं, सेल करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसे हम मुहूर्त ट्रेडिंग कहते हैं। देखिए दिवाली 2020 मतलब आज के दिन की बात हो रही है, तो मुहूर्त ट्रेडिंग दिस ईयर द मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन विल बिगन 6:15 PM एंड एंड 7:15। तो मतलब आज के दिन मार्केट केवल 1 घंटे के लिए 6:15 से 7 बजे 7:15 बजे के लिए खुलेगी। 1 घंटे का टाइम रहेगा, 1 घंटे का टाइम रहेगा, हमें ध्यान रखना केवल 1 घंटे का। अगर आप कुछ शेयर खरीद रहे हैं ट्रेडिंग पर्पज से खरीद रहे हैं, इंटरडे के लिए खरीद रहे हैं, तो आपको 1 घंटे के अंदर उससे एग्जिट भी करना होगा। तो आइए उससे रिलेटिव बातें कर लेते हैं। तो दीपावली का सीज़न है, बहुत सारे शेयर्स है जैसे कि आपको पता ही है, बट प्रोस्पेक्टस क्या रहेगा? देखिए लोग दिवाली पे अलग अलग मान्यता है, कि हम क्या कहते हैं उसमें, अगर हमें किसी शेयर में प्रॉफिट हो रहा है तो हम उधर से निकल जाए, अगर उसमें प्रॉफिट बुक कर ले तो वो प्रॉफिट एज अ कि हमारे घर में लक्ष्मी आ गया, हमारे घर में धन आ गया। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम आज इस दिवाली को खरीदेंगे, नेक्स्ट दिवाली को बेचेंगे, उस एक दिवाली का पीरियड हो गया, हम अपने इन्वेस्टमेंट करेंगे। और कुछ लोग जैसे कि कहते हैं ना, हमने बचपन से ही पढ़ा है दिवाली के दिन लोग जुआ खेलते हैं, तो जुआ मतलब ट्रेडिंग हो गया यहाँ पर। तो ट्रेडिंग मतलब अगर प्रॉफिट हो गया तो अच्छी बात है, लॉस हो गया तो हमारे घर में लक्ष्मी नहीं आएगी, ऐसे कुछ मान्यता है इंडिया में दिवाली को लेके। तो ऐसा से रिलेटेड ही हम बातें करेंगे। तो देखिए मेरा मानना क्या है, मेरा मानना ये है कि आज के दिन आप कुछ ना कुछ तो ज़रूर खरीदिए, क्योंकि लक्ष्मी माता का दिन है, दिवाली का दिन है, और काफ़ी खुशियाँ लेके आता है इस बार। वैसे ही आपको पता ही है किस तरीके से पूरी दुनिया डिफरेंट डिफरेंट मतलब कोरोना वायरस से डरी हुई है, एज वेल एज ये 2020 पूरा का पूरा लोगों का ख़राब हो गया, लगभग घर में ही कैद हुए। तो कुछ शेयर आप खरीद सकते हैं, और मैं ट्रेडिंग पर्पज़ क्योंकि हमारा चैनल हमेशा आपको बताता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में मैंने लोगों को बहुत सारे शेयर्स बताए हैं जिसमें लोगों को प्रॉफिट भी होता हुआ नज़र आया, तो आइए उनसे रिलेटेड भी बातें करेंगे। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ही रहना है। आज भी अगर आप ट्रेडिंग पर्पज़ से भी कोई शेयर खरीदते हैं, तो ऐसे शेयर खरीदिएगा, कि अगर आज 1 घंटे के अंदर अंदर मार्केट अगर आपने एंट्री ली और अगर वो एक उस ड्यूरिंग दैट पीरियड मार्केट वो शेयर का प्राइस नीचे आ जाता है, तो वो लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट ही दे। इस तरीके का शेयर आप अपने पोर्टफोलियो में रखिएगा। अगर आप उससे प्रॉफिट लेके एग्जिट करना चाहते हैं तो वो भी अच्छी बात है, अगर प्रॉफिट लेके भी एग्जिट नहीं करना चाहते, लॉन्ग टर्म के लिए भी रखना चाहते हैं, तो वो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा प्रॉफिट बना के देगा। तो आइए उसी से रिलेटेड हम बातें कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहली पिक मेरी जो रहेगी वो रहेगी हैप्पीएस्ट माइंड। जैसे कि आपको पता ही है कि ये शेयर कब आया है, ये शेयर अभी दो तीन महीने पहले ही इसका IPO आया था, 2 महीने भी आई थिंक नहीं हुए, 1.5 महीना हुआ है। तो IPO आया था और बहुत अच्छा IPO आया था, 100% से ज़्यादा के रिटर्न्स दिए थे, बट तभी से अगर हम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखें तो यहाँ पर गिरता हुआ नज़र आ रहा है।
बट ये मेरी पिक, आप जैसे सोचेंगे कि अब ज़्यादा तो इसका है नहीं, देखिए अभी 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले सितंबर में आया है, तो इसका हमारे पास ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, हमारे पास ज़्यादा इसकी गणित नहीं है। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हैप्पीएस्ट माइंड एक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आईटी कंपनी है, अशोक सूता जी, इनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। तो ये फ्यूचर में, मैं आज 1 साल की बात नहीं कर रहा, मैं 2 साल की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट 5 ईयर्स, 10 ईयर्स और 15 ईयर्स, क्योंकि ये विप्रो के भी वो रहे और माइंड ट्री के भी मैनेजमेंट रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर इस शेयर को पे आप बैट लगाते हैं फॉर द टाइम पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 15 ईयर्स और 20 ईयर्स, ओके, और आप 10,000, 20,000, 15,000 या 50,000 या जितना भी आपकी हिम्मत हो उतना लगाते हैं, तो आपको बेहतरीन रिजल्ट, ओके, इस बाय बेहतरीन रिटर्न, ओके, मल्टी बैगर रिटर्न्स कह सकता हूँ कि ये आपको कंपनी बना के देगी। बट इसके लिए आपको कम से कम 15 से 20 साल का वेट करना होगा, तभी जाके ये कंपनी वर्क करे, क्योंकि इनका जो पोर्टफोलियो है, इनका बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन है ना, बहुत अलग है। आप जाके इसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत जल्दी, तो तब मैं आप इससे रिलेटेड सारी बातें करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये शेयर एग्जैक्टली है कि कितना दम रखता है। तो आइए, ये एक तो बैट ये हो गई। दूसरी बैट मेरी है इस शेयर से रिलेटेड, इक्विटास होल्डिंग लिमिटेड। तो ये अभी आपने देखा होगा, अभी इसी मंथ में, ओके, एक आईपीओ आया था इक्विटास, इक्विटास बैंकिंग का, ओके, 30 रुपये, 3200 रुपये, 3500 रुपये के आसपास उसका प्राइस है। तो वो उसकी जो होल्डिंग कंपनी है, पेरेंट कंपनी कह सकते हैं कि पेरेंट कंपनी कौन सी है, इक्विटास होल्डिंग। तो देखिए 50 रुपये का शेयर ये चल रहा है, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न दिखा देता हूँ, देखिए नेगेटिव भी दिखाई देगा आपको, बट मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो शेयर है मार्च पैंडमिक से पहले, मार्च पैंडमिक से पहले ये शेयर आपको लगभग 120 रुपये के आसपास मिल रहा था। ये देख लेते, तो 113, अगर 120, 52 वीक हाई भी इसका 120 रुपये है, और अभी कितना चल रहा है 50। तो इसके ना बहुत जल्दी, मतलब पैंडामिक से पहले 115, 120 तो चल ही रहा था, और पैंडामिक के बाद ये 38 तक आया था, तो अभी रिकवर नहीं हो पाया है। ये लाइक बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व की तरह ही, बैंकिंग की तरह ही ये यहाँ पर चला, क्योंकि इसका जो मोस्टली रेवेन्यू आता है ना, वो बैंकिंग के थ्रू आता है, इक्विटास बैंक के थ्रू आता है 80% रेवेन्यू, तो दो ही सेक्टर में काम करती है, ओके। बट हम इसके इसके रिगार्डिंग में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आने वाले कुछ टाइम में, ओके, मेरे को लगता है कि विद इन वन ईयर ये आपको डबल, मतलब 120 तक के रिटर्न्स तो दे सकता है। तो आप इसकी तरफ नज़रें बना सकते हैं, और इनका जो इक्विटास वो बैंक है ना, काफ़ी अच्छा बैंक है, उसके ऊपर मैं वीडियो बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ, तो उसमें हम कंपेरिजन करेंगे, तो आपको पता चलेगी कि ये आपको अच्छे रिटर्न विद इन 1 ईयर, मतलब आपके पैसे डबल तो शायद कर ही देगा। तो इसलिए आप इसकी तरफ नज़रें बना सकते हैं। और इसका पिक के रिवीजन क्या है, तो देखिए रिजर्व्स, देखिए रिजर्व्स कंटिन्यूसली इसके बढ़ते जा रहे हैं, लगभग 1397, 1400 करोड़ रुपये के इसके यहाँ पर रिजर्व्स है। एज वेल लॉन्ग टर्म बोरोइंग 0 है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग 0 है, कोई भी कर्ज नहीं है। एज वेल एज अगर बात की जाए इन्वेस्टमेंट की, तो लगभग 1500 करोड़ रुपये का इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात की जाए हर साल बढ़ता वो नज़र आ रहा है, और 184 करोड़ रुपए का इनका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यहाँ पर कंपनी के पास है। तो इसलिए बैलेंस शीट भी मजबूत है, तो इसकी तरफ ध्यान दे सकते हैं। एज वेल एज मैं आपको बताना चाहूँगा ब्रिटानिया, ब्रिटानिया की देखिए मैंने हमेशा ही मैंने काफ़ी और वीडियो बनाई, और जब ये नीचे आया था तब भी मैंने वीडियो बनाई थी, ये 3390 के आसपास था, तब भी मैंने कहा था कि इसे खरीद लीजिए, आपको प्रॉफिट देगा, ओके, लगभग 52 वीक हाई की भी बात किया, 4000 से ज़्यादा है, तो 4000 से ये नीचे आया है, बट ये 4000 को क्रॉस कभी भी कर सकता है, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए एक अच्छी बैट रहेगी। तो इस शेयर की तरफ आप नज़रें बनाइएगा। इसके अलावा एच डी एफ सी बैंक के बारे में तो देखिए कहना ही बेकार होगा कि अगर इससे कहूँगा कि आप ना लीजिए। तो देखिए अगर मैं बात करूँ कि पैंडामिक के बाद इस शेयर ने कितने रिटर्न्स दिए, तो हम देख लेते हैं। पेंडामिक के बाद इस शेयर ने लगभग 80% के रिटर्न आपको दे दिए, ओके, और अभी भी ये शेयर हर साल 20 से 25% की ग्रोथ से बढ़ता है। तो आपको ये अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आप इसके जाते हैं, इंडिया का नंबर वन प्राइवेट सेक्टर बैंक है, सबसे ज़्यादा भरोसेमंद बैंक है, तो आप इसकी तरफ नज़रें बना के रखिए, लंबे टाइम के लिए रखिए, आप डेफिनेटली बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। 1-2 दिन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बात कर रहा हूँ सालों के लिए, क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यही होता है कि लॉन्ग टर्म के लिए आप रखिए, डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा। एच डी एफ सी बैंक इसमें से आज के लिए
लिए पिक होगी। इसके बाद हो गया कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक दूसरे नंबर पर ऐसा बैंक है जो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स बना के देता है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की भी बात कर लेते हैं तो देखिए 2 रुपये का शेयर आज कहाँ चल रहा है, और अगर मैं ईयर टू डेट पैंडमिक से ये भी बात कर लेता हूँ ओके, तो लगभग कितने पे आया था ये शेयर, 1100-1000 रुपये के आसपास ये शेयर आया था, और तब से देखिए भागे जा रहा है और कितने परसेंट के, इसने भी 64% के रिटर्न दे दिया। और दूसरी बात, MSCI जैसे कि इंडेक्स, इसमें 5000 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट नेक्स्ट मंथ दिसंबर से शुरू हो जाएगा ओके, तो 5000 करोड़ रुपये का आएगा तो ये शेयर और भागेगा, बट फिर भी हम उसको छोड़ देते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए सबसे अच्छी बैट रहेगी, आपको फ्यूचर में बहुत अच्छे रिटर्न्स बना के देगा। इसके अलावा मुथूट फाइनेंस आपको बताना चाहूँगा एयरटेल डेट, अगर हम आ जाते हैं तो लगभग इसने भी आपके पैसे को दुगना कर दिया है ओके। ये कुछ टाइम से ये 1300 के आसपास गया था, फिर उसके बाद 164% के रिटर्न तो यहाँ दे दिए थे इसने जुलाई में, क्योंकि गोल्ड के प्राइस भी बढ़ रहे थे ओके, और गोल्ड लोन का काम करता है आपको पता ही है, बट इस टाइम से लेके इस टाइम तक ये थोड़ा फेस तो इसके लिए ठीक नहीं रहा है, बट MSCI इंडेक्स में भी इसी है, कुछ करोड़ मिलियंस ऑफ रुपीज़ इसमें आने वाले हैं ओके, और इससे आगे बढ़ जाएगा, बट लंबे टाइम के लिए अगर इसका चार्ट पैटर्न भी देखते तो ये भी काफ़ी अच्छी बैट रहेगी, अगर आप लंबे टाइम 10-15 साल के लिए रखते हैं तो ये आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स बना के देगा। तो मुथूट फाइनेंस एक दूसरी प्राय हो गया। इसके अलावा बजाज जो B2 शेयर्स है ओके, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर, तो दोनों ही शेयर को मैं इस कैटेगरी में रखूँगा कि आप इसे कभी भी खरीद सकते हैं, बट अभी ये ओवरबॉट जोन, मतलब ज़्यादा खरीदारी, मतलब पिछले 5-6 दिन में तो काफ़ी भागा है ये शेयर। मैंने बहुत टाइम जब ये शेयर यहाँ पर आया था तब भी मैंने वीडियो बनाया था और आपसे कहा था कि शेयर को खरीद लीजिए, आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे, तो देखिए 30% के रिटर्न आपको फिर भी मिल रहे हैं अगर जिसने भी खरीदा होगा। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात की जाए तो देखिए ये शेयर 10000 रुपये के करीब था और अभी भी ये केवल 7200 पे चल रहा है, तो शायद आज के दिन ये भागेगा, बट अगर आप लंबे टर्म के निवेशक हैं, लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहते हैं तो इसे कभी भी खरीद सकते हैं, आपको ये बेहतरीन रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा बजाज फाइनेंस इसका दूसरा पार्ट है और ये डेट फ्री कंपनी भी है बजाज फाइनेंस, तो इसकी तरफ ध्यान दे सकते हैं। इसके अलावा ICICI बैंक को तो मैं आपको 350 से बताता आ रहा हूँ कि आप इसे खरीदिए ओके, जिनने भी खरीदा होगा, जिन लोगों ने भी खरीदा होगा, बहुत अच्छे रिटर्न अभी उन्हें मिल रहे होंगे, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देख लीजिए, तो देखिए ऊपर की तरफ भागते हुए जा रहा है। और ये जितनी भी वीडियो मैंने बनाई है ऊपर आई बटन पे दे दूंगा, ICICI बैंक से रिलेटेड, बजाज फिनसर्व से रिलेटेड, ब्रिटानिया से रिलेटेड, उन वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगी मैं ये शेयर क्यों पिक कर रहा हूँ ओके। तो ICICI बैंक ये दूसरा हो गया। इसके अलावा एक और बताना चाहता हूँ, ये आईटी के जितने भी शेयर हैं ओके, आईटी के जितने भी शेयर हैं उन सभी पे आप बैट लगा सकते हैं ओके। इस बैट तो नहीं कहेंगे, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं ओके। बैट अगर आप इन शेयरों में, आईटी के जो दिग्गज शेयर है इनमें इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में के लिए बहुत बेहतरीन प्रॉफिट होगा। इन्फो एज में कर सकते हैं, इन्फोसिस में कर सकते हैं, L&T ओके, लार्सन & टुब्रो, इन्फोटेक में कर सकते हैं, SCL में कर सकते हैं, और बेस्ट 5 जो मेरे शेयर मैंने पिक कर रखे हैं उसकी वीडियो मैं ऊपर दे दूंगा आईटी के ओके, उसे देख लीजिएगा तो आपको पूरा का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस भी थोड़ा बहुत आपको माइंड में आ जाएगा। तो आईटी के ये जितने भी शेयर हैं ना, ये सारे दिग्गज शेयर हैं, तो इनकी तरफ आप नज़रें बना सकते हैं, कभी भी खरीद सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं, मल्टी बैगर रिटर्न्स आपको प्रोवाइड कर देगा। सो दोस्तों यही मेरा बताना था कि आज मोहरत ट्रेडिंग है 6:15 से 7:15 के बीच में, 6 बजे मार्केट का प्री ओपनिंग सेशन शुरू हो जाएगा तो उसे आप देख लीजिएगा ओके। 6 बजे से 7:15 बजे तक रखिएगा, कुछ ना कुछ डेफिनेटली खरीदिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार कंसल्ट कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, और जाते जाते आप सभी को शुभ दीपावली, हैप्पी दिवाली सभी को, और मेरी तरफ से और आप सभी फैमिली वालों को। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, गॉड ब्लेस। बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा ओके। आपका खुद का चैनल है ओके। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।